सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साहुजी और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल साहुजी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अपना जो भी रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म भरे थे उसका एग्जाम का डेट कब हुआ और जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है कैसे आप चेक कर पाएंगे कि मेरा एग्ज़ाम का डेट कब होगा, इसका शिफ्ट क्या होगा। ठीक है, बता दें दोस्तों, ये एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं आज का जो नोटिफिकेशन के थ्रू कि आपका एग्ज़ाम का डेट कब होने वाली है, मैंने एग्ज़ाम का डेट आपका कब है और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और किस शहर में देना होगा, ये 3 चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आपको कुछ करना होगा नहीं होगा इसके लिए, आपको जाकर गूगल में जा करके आपको सर्च करना होगा, आप रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जैसे देखा हुआ रेलवे रिक्वायरमेंट, यहाँ जाकर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इसका जो भी URL लिंक होता है आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर सबसे ऊपर में ही indianrailway.government.in में आप जाकर क्लिक करेंगे तो इसका जो आपका जो रीजनल ऑफिस है उसका सब चीज़ का स्टेट वाइज का आपका रीजनल ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी उसका जो आपका जो रीजनल ऑफिस है वो आपका वहाँ पे आपका जो URL है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हेयर टू नो द एग्जाम सिटी एंड डेट इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स लेवल 1 पोस्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकेंगे और बोल रहा है यहाँ पर आप खाली एग्ज़ाम का जो डेट है और कौन सा शिफ्ट में दिया गया है, ठीक है, वो चीज़ आप चेक कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो एग्ज़ाम का जो डेट होगा ना उसके 4 दिन पहले ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से आपको एक लिंक खुलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा साइबर भेजिए जिसकी वजह से मैं किया हुआ था तो उसी को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मिल रहा है, मांग रहा है आपको user ID और पासवर्ड। अपना जो भी आपका user ID है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था वही आपका user ID, तो वही आपको डालना है। 10 डिजिट का होगा, 2780 से शुरू होगा, हर एक रीजनल का अलग अलग कोड होगा, तो आप वहाँ से 10 डिजिट का दिखेगा होगा। और नीचे बोल रहा है पासवर्ड, पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे आप यहाँ पे ओके कीजिएगा, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डाला है तो कुछ लिख रहा है या सूचना, परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं है, यह केवल अपने परीक्षा शहर एवं दैनिक दिनांक की जानकारी देने की यात्रा व्यवस्था के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जो चीज़ दिया जा रहा है वो आपको केवल ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है बल्कि ये आपका किस शहर में एग्ज़ाम को पढ़ रहा है, उसका क्या डेट है और यात्रा के लिए क्या व्यवस्था है उसके लिए आपको जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको लिखा हुआ पंजीयन संख्या 2780230857 जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, उम्मीदवार का नाम हमारा नाम दिया, डिटेल्स दिया हुआ, हमारा दिया हुआ परीक्षा का सर रांची है, परीक्षा का राज्य झारखंड है, परीक्षा का डेट दिया हुआ हमारा वो 28 सितंबर 2018 को जो शिफ्ट है 3rd शिफ्ट में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो एग्जाम होगा 3rd शिफ्ट में होगा और परीक्षा का अवधि है 90 मिनट का, उपस्थित होने का समय है 2:15 में और गेट बंद होने का समय है 3:15 में, प्रारंभ परीक्षा होने का समय 4 बजे। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी देखना चाहते हैं इस तरह का पूरा डिटेल्स तो आपको करना कुछ नहीं होगा, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो फॉर्म भरते समय दिया गया था और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो आपको बस प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है बल्कि ये एग्ज़ाम का डेट और शिफ्ट जानकारी लेने के लिए आपको ये डाला गया है। ठीक है, इसमें पूरा आपको डिटेल्स जैसे कि देख पा रहे हैं, आप यहाँ से अपना जो भी है उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करके रख लेता हूँ और आप जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इसको जा करके। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।